सैमसंग फोल्डेबल फोन्स में और एक बड़ा कंप्लेंट है कि स्क्रीन में बनने वाला क्रीज। इन दोनों इश्यूज में Z Fold 5 में कंसिडरेबली इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, पर बहुत से लोगों को पिछले वाले फोन से भी डिसअपॉइंट ही मिला है। ट्विटर में iCinemas ने यह कहते हुए मेंशन किया कि Z Fold 5 के क्रीज के एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले हैं एंड खुद ही एक्चुअल डिवाइस को यूज किया है। कहा कि न्यू वाटर ड्रॉपलेट हिंज के बावजूद भी दोनों में कोई फर्क नहीं आया है। सैमसंग सिर्फ 14% क्रीज मिनिमाइज किया है फोल्ड 5 में। ऑनेस्टली मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। चाइनीज कंपनीज लाइक ओप्पो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रीज को पूरी तरह गायब कर दिया है, पर सैमसंग जैसे एक्सपीरियंस कंपनीज क्यों नहीं कर रही है। iCinemas ये भी मेंशन किया है कि Z Fold 5 के बदले में Z Fold 6 ही रेकमेंड किया है। आई थिंक हमें वेट करना चाहिए जब तक सैमसंग का रियल हैंडसेट सामने नहीं आए। नेक्स्ट मंथ 26 जुलाई को अनपैक्ड इवेंट कंडक्ट करने वाला है एंड मे बी क्रीज में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कॉमेंट में जरूर बताना एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।